गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मैं यहाँ पर माफिया के पास एक खतरनाक डील करने आया हूँ, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है। देखो यहाँ पर जमीन पर पड़ा, इन्होंने इसको आर्मी से चुरा कर यहाँ पर ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। क्यों ना इसको कम कीमत में खरीद कर आगे में काफी महंगा बेच दूं। पर गाइस इन लोगों से डील करना सच में उतना भी आसान नहीं है। हमारे पास राक्षस भी है। ओ माय गॉड, इन्होंने तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को बंद कर रखा है, और ये भी एयरक्राफ्ट के जैसे इनको लोगों को बेचने के लिए रखे गए। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आखिर इनको खरीदेगा कौन, क्योंकि अगर ये बाहर आ गए तो सबको जिंदा खा जाएंगे। इस राक्षस को तो मैं जानता हूँ, इसका नाम साइरन हेड है, जिसके बारे में रोज टीवी पर बताते हैं। चलो इनके बारे में भी बात की जाए, क्योंकि वो दोनों भी बिकाऊ है। पर अचानक से दूसरा माफिया इन पर सामने से हमला कर दिया। क्यों ना यहाँ पर छुप जाऊं, कहीं उनकी गोली मेरे को ना लग जाए। और मैं यहाँ पर इनके हाथों नहीं मरना चाहता, क्यों ना मौके का फायदा उठाकर पिंजरों पर धमाका कर उन राक्षस को बाहर निकाल दूं। पर वो तो धमाके के बाद गायब हो गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर वो गए तो गए कहाँ। चलो यहाँ से दूर भाग जाते, क्यों ना दीवार को कूद कर घर के ऊपर चढ़ जाऊं, क्योंकि वो दोनों राक्षस खुले में घूम रहे। पर हो सकता है वो दोनों छत के ऊपर भी आ जाए। अच्छा होगा आर्मी वाले एयरक्राफ्ट को मैं चुरा कर यहाँ से भाग जाऊं। चलो वापस वहीं पर चलते, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है वो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट वहाँ पर ही है। मेरे को तो पता भी नहीं इसको चलाया कैसे जाता है। कमोन 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 कमोन। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब तो इसको आकाश में चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। क्यों ना यहाँ से कहीं दूर समुद्र किनारे चला जाऊं, क्योंकि मैं किसी के हाथ नहीं आना चाहता। आखिरकार मैं जमीन पर पहुंच गया। चलो यहीं पर नीचे उतर जाते, क्यों ना इसको यहाँ के बजाय पानी के अंदर कहीं पर छुपा दूं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसको आसानी से छुपा दिया। ओ माय गॉड, एक राक्षस तो यहाँ पर आ गया, और ये तो साइरन हेड लग रहा है। इसके हाथों से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया। मैंने तो उसको नीचे गिरा दिया। अब अच्छा होगा यहाँ से भाग कर मैं कहीं दूर चला जाऊं, पर उसने तो रास्ता रोक दिया। ओ माय गॉड, वो तो शिकार करना शुरू भी कर दिया। देखो कैसे उछल उछल कर मार रहा, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, वो कमीना तो रुक ही नहीं रहा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्यों ना यहाँ से पानी के अंदर भाग जाऊं, पर वो तो मेरे को रोक लेता है। चलो जल्दी गहराई में चलते, यहाँ तक तो वो नहीं आ सकता। ओ माई गॉड, यहाँ पर तो दूसरा वाला राक्षस भी आ गया। उन दोनों की तो फाइट हो रही है, लगता है उन दोनों में से जो जीतेगा वही मेरे को कच्चा चबा जाएगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, उन दोनों की लड़ाई में मेरे को भी मार पड़ रही है। पर गाइस उनमें से एक तो मर गया, उस मॉन्स्टर ने तो इसको मार दिया। ओ माय गॉड, उसको मार कर तो ये काफी बड़ा हो गया। अच्छा हो गई यहाँ से भाग कर मैं कहीं दूर चला जाऊं, क्यों ना वापस एयरक्राफ्ट को लेकर उससे मैं इस राक्षस को खत्म कर दूं। अच्छा हुआ ये सही सलामत है। चलो जल्दी इसके ऊपर चढ़ जाते, क्योंकि उसके पास जाकर उसका शिकार भी करना है। देखो वो सामने खड़ा हुआ, अब मेरे हाथों नहीं बच पाएगा, लगता है उसको टक्कर मारना पड़ेगा। मैं तो उसको पटक पटक कर मार रहा हूँ। ओहो, चलो वापस से इस पर चढ़ जाते। इस बार तो इस पर चढ़ने पर इसका रंग और डिजाइन बदल गया। गाइस वो तो पीछा कर हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना वहाँ पर बिल्डिंग के पास चला जाऊं, क्योंकि उनके बीच में छुपना काफी आसान होगा। कहीं मैं इनसे टकरा कर ना गिर जाऊं, थोड़ा संभल कर रहना होगा। चलो यहाँ से कूद कर छत पर चलते, पर वो राक्षस तो यहाँ भी आ गया।
मैंने तो उसको मार मार कर नीचे गिरा दिया। देखो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया, पर ये एयरक्राफ्ट वापस आकर मेरे को नीचे गिरने से बचा लिया। क्यों ना इसको बेचने के बजाय मैं इसको खुद के पास ही रख लूं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ये कहीं पर मेरे काम आ जाए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं इसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।